सरकार के अवैध खनन नियमावली 2005 को रॉयल्टी से जोड़कर अर्थदंड बढ़ाने के विरोध में पिछले 10 दिनों से कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सोसाइटी और ठेकेदार संघ से जुड़े ठेकेदारों का प्रदर्शन हल्द्वानी के लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में जारी है। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ठेकेदार रोजाना कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं। इसी क्रम में आंदोलन के 10वें दिन ठेकेदारों ने बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करते हुए ठेकेदारों ने कहा कि सरकार ठेकेदारों का उत्पीड़न कर रही है। कई डिवीजन में ठेकेदारों के पेमेंट को रोक दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पे जो है हवन करने का कार्यक्रम रखा था ताकि हमारे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या हमारे मंत्रीगण जो भी विधायकगण हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा हम लोगों की समस्याएं के बारे में आगे अवगत किया कराया जाए और उनको थोड़ा ऊपर भगवान की उसमें भगवान से ये निवेदन किया कि इनको थोड़ा अच्छी मत वो सद्बुद्धि दे ताकि जिससे प्रदेश सरकार द्वारा ठेकेदारों की रॉयल्टी पर अवैध खनन नियमावली 2005 जोड़ी जा रही है उसके विरोध में हम सभी ठेकेदार और प्रदेश के सारे ठेकेदार विरोध में हैं।